I'm Ilana Sharma from Gyaniketan School, Vitthal Vihar Complex, Patna. Hello, how are you? I hope you all are fine. Today, I'm going to start with Chapter 2, Class 12, Chapter 2, Solution. This chapter contains 5 marks in CBSE board. Students, this is the mix-up chapter of numericals and subjective question of chapter. Okay? Basic things is numericals. Let me come on the point, which points we are going to study in this chapter. Point number one, what is solution? Point number two, concentration term. Concentration term we are going to combine with class 11, that is molality, molarity, normality and mole fraction. Symbol of molality is capital M, small m, molarity is capital M, normality is capital N and mole fraction is zeta. Let me come on the next point, vapor pressure. Point number 4, qualitative property. In class 12, major things and basic thing, I mean important thing is colligative properties. Firstly, what is colligative properties? The properties which depends on the number of solute particle, not on the nature of solute particle. Colligative property उससे कोई मतलब नहीं है कि solute का nature क्या है, यूरिया है कि glucose है कि sugar है, ठीक है? अब आते हैं colligative property पे. There are 4 types of colligative properties. Number 1, relative loading of vapor pressure, symbol is P naught, elevation in boiling point, depression in freezing point, colligative property and simple osmotic pressure, van 't Hoff factor and the last solubility of gases, that is totally depend on the Henry law. Let me come on the point, students. What is solution? Solution is a homogeneous mixture which is when we mix their components lost their identity and they are not separated by simple method. यहाँ पे students, मेरा simple method का मतलब है filtration. Filtration से हम solution को अलग नहीं करते हैं और homogeneous mixture मतलब हर कोने में उसकी solubility क्या रहेगी, बराबर रहेगी. Just like that, I'm just going to give you an example. अभी जब हम लोग इंडिया में होते हैं तो हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है. I am बिहारी, you are गुजराती, he is मराठी. बट अगर क्रिकेट मैदान में हम लोग जाते हैं उस टाइम में अगर दूसरे देश के साथ मैच होते रहता है उस टाइम में हम लोग ये बात नहीं बोलते. उस टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं स्टेट्स, वी आर होमोजेनियस, मतलब वी आर इंडियन. हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं बिहारी हूँ, तुम गुजराती हो और वो मराठी है. जस्ट लाइक दैट, होमोजेनियस मिक्सचर. मुझे लगता है तुम समझ गए होगे तुम लोग. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि सॉल्यूशन होता क्या है. सॉल्यूशन एक जो बहुत छोटी क्लास में पढ़ते होगे, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब होता है स्टूडेंट, सॉल्यूट मतलब लेस अमाउंट और सॉल्वेंट मतलब लार्ज अमाउंट. तो सिंपली यहाँ पे लेस और लार्ज की बात तो समझ में आई कि जो छोटा कम रहेगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे और जो ज़्यादा रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे. लेकिन प्रॉब्लम तो तब होगा जब हम परसेंटेज की बात करते हैं. जैसे एग्जांपल, 20% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है? तो इसमें 20% क्या बोले, इथेनॉल बोले. तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, 20% इथेनॉल और सॉल्वेंट क्या होगा, 80% वाटर. तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि एक बार अगर इथेनॉल सॉल्यूट हो गया तो हर जगह वो सॉल्यूट ही रहेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है. जैसे सिंपली अगर कहते हैं 80% इथेनॉल, यहाँ पे देखो जो पहले 20% इथेनॉल था ना स्टूडेंट, वहाँ पे जो सॉल्यूट था 20%, वो नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है ना मेरा 80% इथेनॉल सॉल्यूशन, यहाँ पे इथेनॉल क्या बन गया, सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ 80% इथेनॉल एंड 20% वाटर, ठीक है? तो यहाँ पर वाटर क्या हो गया, सॉल्यूट एंड इथेनॉल क्या हो गया, सॉल्वेंट. अब ये परसेंटेज वाली बात तो समझ में आ गई स्टूडेंट कि कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम तो तब होगा जब हम ये बोलेंगे 50%, समझ गए, 50% शुगर सॉल्यूशन. अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे शुगर भी आधा है और पानी भी
किसको बोलेंगे सॉल्यूट, किसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो अगर 50% सुगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, मतलब 50% में तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि 50% शुगर है और 50% वाटर है। तो क्वेश्चन अराइजेस ओवर हियर, किसको बोलेंगे सॉल्यूट और किसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये एक रूल है, साइंटिस्ट लोगों ने इसके लिए एक यूनिफॉर्म रूल दे दिया कि कोई भी सॉल्यूशन जब बनेगा ना तो उसका जो फाइनल स्टेट होगा, जो फाइनल स्टेट होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, शुगर सॉल्यूशन में शुगर एंड वाटर को जब मिलाए तो जो फाइनल सॉल्यूशन का जो स्टेट है दैट स्टेट इज लिक्विड स्टेट। मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। तो कोई भी तुमको अगर ये बोलता है कि 50% शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा सॉल्यूट, क्या होगा सॉल्वेंट, तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स कि शुगर है सॉल्यूट एंड वाटर है सॉल्वेंट। कोई पूछेगा व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, तो बोलोगे दिस रूल इज गिवन बाय आवर साइंटिस्ट कि फाइनली जो स्टेट में सॉल्यूशन आता है उसी को क्या कहते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ जो शुगर सॉल्यूशन है उसका फाइनल स्टेट क्या है, लिक्विड, और शुगर और वाटर में लिक्विड क्या है स्टूडेंट, वाटर। दैट्स व्हाई हियर इन अ 50% शुगर सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। इज इट क्लियर अबाउट सॉल्यूशन। लेट मी कम ऑन द वेपर प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले वेपर प्रेशर के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं जो हम घर में भी कर सकते हैं, समझ गए। वेपर प्रेशर कैलकुलेट तभी होगा स्टूडेंट जब वो क्या होना चाहिए, कंटेनर क्लोज होना चाहिए, समझ गए। उसमें प्रेशर क्या करेंगे, एग्जॉर्ट करेंगे और पता चलेगा। तो कंटेनर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अब दो चीज होती है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो स्टूडेंट, जब भी कोई लिक्विड बॉयल होता है ना तो पहले वो किससे उसको क्रॉस करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्योंकि जिस कंटेनर में वाटर या कोई भी चीज रखा हुआ है जिसका मेरे को वेपर प्रेशर निकालना है, उसके ऊपर प्रेशर किस चीज का है, एटमॉस्फेयर का, समझ गए। तो सबसे पहले वो पास किसको करेंगे, एवब एटीएम। तो बॉइलिंग सिंपली कोई बोलेगा व्हाट इज बॉइलिंग, तो क्या बोलोगे, द टेम्परेचर एवब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहाँ पे किसी का स्टेट क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। यहाँ पे हम लिक्विड को किस चीज में चेंज कर रहे हैं, वेपर में कर रहे हैं। तो कंटेनर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और कोई पूछेगा कि किस कंडीशन पे वेपर प्रेशर आप एक्यूरेट निकालेंगे, तो स्टेट इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत मेजर पॉइंट है जो बहुत क्लियर स्टूडेंट्स का नहीं होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेट क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम का, और वहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। और देखो स्टूडेंट, वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारा, रिलेटिव लोयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे वेपर प्रेशर को क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। अब देखो फैक्टर, वेपर प्रेशर के लिए फैक्टर क्या क्या होने चाहिए, नेचर ऑफ पार्टिकल्स। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होंगे तो जाहिर है हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर किसी एक का नेचर नॉन वोलेटाइल होगा, जैसे सिंपली अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होंगे, वोलेटाइल का मतलब समझ रहे हो ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन, समझ गया ना, जो वेपोरेट हो जाते हैं, क्लियर। तो जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तो वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर, सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई रखेंगे जाहिर है हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल आपका क्लियर हो रहा होगा, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सिंपल डिफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं ये सारे जो हमारे चारों है ना, नंबर वन इज द रिलेटिव बॉइलिंग, नंबर टू इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर थ्री इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट इज द
ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों ना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेंगे, नेचर पे नहीं करेंगे। सॉल्यूट हम ग्लूकोज लेते हैं, फ्रुक्टोज लेते हैं या यूरिया लेते हैं, सबका नेचर बिल्कुल अलग है, लेकिन ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। चलो आज सिंपली दे देते हैं रिलेटिव ब्लडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ऐसा कौन सा कंडीशन लाएंगे जब रिलेटिव का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट के पहले और एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है, उसको कहते हैं रिलेटिव ब्लडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। नंबर टू कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ रहा है, समझ गया, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। नंबर थ्री इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब घट रहा है, टेम्परेचर क्या करें, डाउन करें, पहले क्या था और उसके बाद घटने के बाद क्या हो, तो बैक साइड में ग्राफ जाएगा, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले पढ़े हो गए ना ट्रांसपिरेशन वगैरह, ऑस्मोटिक प्रेशर कि कब दरगर हमारा एक्सॉर्ट करता है, जब हम पानी को ऊपर की तरफ या किसी चीज़ को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको डिफाइन वगैरह पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस ज्ञान निकेतन चैनल, ऑनलाइन चैनल। थैंक यू वेरी मच।